मिस्टर एश के हाथ में मार्केटिंग, और दोनों ही चीजें उन्होंने बहुत टॉप लेवल से की। ऑन पेस्यू के सारे प्रोडक्ट टॉप लेवल से बन गए। उस प्रोडक्ट के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी उन सारी चीजों को बनाया जा रहा है। हमें हमारे डेटा को रखने के लिए स्पेस चाहिए तो कंपनी डेटा सेंटर बना चुकी है। अगर हमारा डेटा सेंटर नहीं होता तो आइकैन हमें ऑथोराइज नहीं करता। आइकैन ने हमें ऑथोराइज किया तो हम अगर किसी दूसरे का डेटा सेंटर यूज करके अगर लोगों को डेटा सेविंग करने के लिए क्लाउड देंगे आप, तो कैसे अलाउ करेगा? कोई नहीं करेगा। आप अगर कोई आपका घर रेंट पे देना चाहते तो उसके लिए आपका खुद का घर होना चाहिए। आप अगर दूसरे का घर रेंट पे लेके तीसरे को कैसे दे सकते? पॉसिबल ही नहीं है। आप तो लॉस में चले जाएंगे उसमें, क्योंकि रेंट की प्राइस तो सेम ही रहेगी ना। अगर किसी एरिया में कोई घर है उसका मंथली रेंट है 10,000 रुपीज, आप उसको 10,000 रुपीज के रेंट पे लेंगे तो आप उसको 12,000 रुपीज में नहीं दे सकते हैं, आप उसको 15,000 रुपीज में नहीं दे सकते हैं। आपको उसको 10,000 में ही रेंट पे देना पड़ेगा, क्योंकि जिसको आप रेंट पे दे रहे हो वो तो आसपास, वो तो इंक्वायरी करेगा ना कि इस एरिया में रेंट क्या चल रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि इस एरिया में 10,000 रुपीज रेंट चल रहा है इस पर्टिकुलर घर का या ब्लॉक का। तो आप उससे 15 या फिर 20 हजार ले ही नहीं सकते हैं। तो आपको अगर डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करनी है मार्केट में, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आप AWS सर्वर यूज करके नहीं कर सकते हैं। आप Amazon का सर्वर यूज करके दूसरे किसी को स्पेस नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको आपका खुद का डेटा सेंटर होना चाहिए। तो डेटा सेंटर जब किसी का होगा तभी वो डोमेन एंड होस्टिंग मार्केट में प्रोवाइड करेगा, और जिसका डेटा सेंटर है उसी को आईकैन जैसी अथॉरिटी ऑथोराइज करेगी। तो इसका मतलब कंपनी के डेटा सेंटर्स भी बन चुके हैं। मींस प्रोडक्ट्स के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है वो सारी चीजें कंपनी की रेडी है। जो मिस्टर ऐश के हाथ में था उन्होंने वो कर दिया है, टॉप लेवल से कर दिया। दूसरा है उनके हाथ में मार्केटिंग। मार्केटिंग आपने देखी होगी, अभी एक नया वीडियो वायरल हुआ था जहां पे एक मॉल है वहां पर और ब्रांडिंग चल रही है ऑन पैसे की। दुबई एंड अमेरात का जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उसके साथ टाई अप होके हमने अल सबा मेट्रो स्टेशन को ऑन पैसे मेट्रो स्टेशन के नाम से ब्रांड किया है। उसमें पूरी दुनिया के लोग जाते हैं। 2 लाख एवरेज वहां पे, 2 से 7 लाख एवरेज वहां पे डेली लोग ट्रेवल करते हैं अलग अलग कंट्रीज से। वहां पे मार्केटिंग हो रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं, अब मार्केटिंग आप देख रहे हैं इतने दिनों से, आपको सारी चीजें पता है मार्केटिंग किस लेवल से हो रही है। तो वो मिस्टर ऐश के हाथ में था, वो भी उन्होंने टॉप लेवल से कर दिया। थर्ड पार्ट है लीगेलिटी, ऑथोराइजेशन, परमिशन, सर्टिफिकेशंस। इसके लिए कंपनी सिर्फ अप्लाई कर सकती है। क्या कर सकती है? अप्लाई कर सकती है कि भाई हमें इस बैंक के साथ टाइप होना है इस कंट्री में, और ये हमारा प्रोसेस है, ये है हमारी पेमेंट मेथड है, और ये ऐसे ऐसे अमाउंट हमें सेंड करने हैं। तो उसके लिए एप्लीकेशन कर सकती है, और उस एप्लीकेशन को करने के बाद लीगली वहां पर वो सारी चीजें फुलफिल होगी। एप्लीकेशन करने के बाद मे भी हो सकता है कि पहले ही अप्लाई में वो एप्लीकेशन कंपनी को दिया जाए, ऑथोराइज किया जाए, या फिर हो सकता है कि अप्लीकेशन जब करते हैं तो उसके बाद उसमें और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर और कुछ चीजों की जरूरत पड़ती होगी, वो फुलफिल करना पड़ता होगा। इस वजह से ये चीजें जो है ना वो डिले हो रही है। इसका मेन रीजन ये है, कंपनी के पास आपको देने के लिए अमाउंट नहीं है, ये उसका रीजन ही नहीं है। कंपनी आपको देना नहीं चाहती है, मिस्टर ऐश आपको पेमेंट देना नहीं चाहते, विड्रॉल देना नहीं चाहते, आपके बोनसेस कमीशंस को आपके वॉलेट में क्रेडिट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर 100% चाहते होंगे कि आपके विड्रॉल आपके वॉलेट में, आपके बैंक में रिसीव हो, तो ऐश 200% चाहते हैं कि आपके पेमेंट्स आपको रियल टाइम में मिल जाए, और उसके लिए वो सारी प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन 200 कंट्रीज हैं, हर कंट्री की अलग अलग बैंकिंग की अथॉरिटी है। कुछ जगह पे कुछ मे भी हो सकता है कुछ इससे रिलेटेड कोई इश्यू होगा, इस वजह से ये एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। मे भी हो सकता है ये जो एक्सटेंशन आपको दिया गया ये फाइनल एक्सटेंशन हो, 10 से 15 तारीख के बीच में ही आपके वहां पर बोनसेस कमीशन आप देख पाए, क्योंकि जो
जो एक्सटेंशन फाइनल होगा उसके पहले पहले आपके बोनस एंड कमीशन वहां पे क्रेडिट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर अनिवार्य है, इसलिए क्योंकि आप अभी आपके पॉकेट से पैसे खर्च करके ओ कनेक्ट या फिर कोई भी प्रोडक्ट को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और आपको करना भी नहीं है। कंपनी ने एक ही बार बोला था, आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि ऑन पैसिव ने जो चीजें बोली आपके फंड से रिलेटेड, आपके अमाउंट से रिलेटेड, एक्चुअल वो चीजें हुई या नहीं हुई है। कंपनी ने आपको बोला था कि $97 की होंडरशिप लेने के बाद आपको प्रोडक्ट परचेस करना है लाइफ में वन टाइम। अब उस वक्त वो प्रोडक्ट का प्राइस हम $200 से $250 के आसपास बोल रहे थे, अभी उसका $200 या $250 के आसपास प्रोडक्ट है। उसमें 107+10 आपको दे दिया, सॉरी 97+10 107 आपको कंपनी ने दे दिया, $50 का आपको बोनस दे दिया। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपका $200 में परचेस होना चाहिए था वो 93 में या फिर 143 में आपने परचेस किया। तो ऑन पैसिव ने क्या बोला है कि इसके बाद आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है ऑन पैसिव। अगर पेमेंट आपसे लेना होता कंपनी को तो कंपनी बोलती कि आप इसको रिसब्सक्राइब करिए, आप रिसब्सक्राइब करेंगे तभी आपके नीचे का जो टीम है बोनस है वो जनरेट होगा। और ये कब होता है, जब कोई एमएलएम कंपनी काम करती है, एमएलएम कंपनी में हर महीने प्रोडक्ट को परचेस किया जाता है तब जाके बोनसेस एंड कमीशंस आते हैं, यहाँ पे वो नहीं है आपके लिए। और आप यहाँ पे कितना भी पैनिक होंगे, कितना भी सिचुएशन से आप परेशान होंगे, सेम चीजें मिस्टर ऐश भी कर रहे हैं। आप जिस सिचुएशन में हो उससे 1000 गुना ज्यादा वो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई कितने जल्दी ये पेमेंट विड्रॉल और उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो और कितने जल्दी मैं इसको स्टार्ट करूं। क्या उनको गलत पता नहीं है, क्या वो देख नहीं रहे? उनको सारी चीजें पता है लेकिन वो इमोशंस लेकर नहीं चल पाएंगे। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है लेकिन वो इमोशनल साइड में रखने पड़ेंगे उनको। अगर ऑन पैसिव को उनको जिंदा रखना है, ऑन पैसिव को बढ़ाना है, ऑन पैसिव को आगे लेके जाना है, आपके सपनों को अगर उनको पूरा करना है ना, तो उनको कठोर बनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, सर हमारी इतनी खराब कंडीशन है, हमारी ऐसी सिचुएशन है, ऐसा है वैसा है, क्या मिस्टर ऐश हमारे बारे में सोचते नहीं है? इतने सारे लीडर्स भाई उनका देहांत हो गया, क्या ऐश उनके बारे में सोचते नहीं है? ऐश उनके बारे में सोचते हैं, इसी वजह से जी जान से लगे, लेकिन वो इमोशनली नहीं सोचते हैं। अगर वो इमोशनली सोचेंगे ना तो ऑन पैसिव को खड़ा नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको जोड़ कर रख पाएंगे। यहाँ पे हमें बिजनेस माइंडसेट के साथ चलना पड़ेगा। एक जीवन में बड़ा परिवर्तन जब होता है ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा आहुतियां दी जाती हैं, बलिदान दिए जाते हैं। यहाँ पे हम बलिदान दे रहे हैं हमारे समय का, जो आप समय यहाँ पर दे रहे हो। मैं मानता हूं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हर किसी को, हर कोई वेट कर रहा है कि बस भाई अभी 10 दिन में हो जाएगा, अभी 15 दिन में हो जाएगा, अब 20 दिन में हो जाएगा। किसी ने जॉब छोड़ दिया, कोई जॉब छोड़ के अपने घर पर वापस चला गया कि चलो भाई अभी ऑन पैसिव आ रहा है तो मुझे जरूरत नहीं है जॉब करने की। या कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेसेस को उन्होंने थोड़ा साइड कॉर्नर करके ऑन पैसिव पे फोकस किया। कुछ लोग एमएलएम नेटवर्किंग कर रहे थे, उन्होंने बाकी सारी कंपनीज को छोड़ के सिर्फ ऑन पैसिव उन्होंने किया। वो लोग वेट कर रहे हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं सिर्फ अमाउंट्स का। अमाउंट्स हर किसी को चाहिए, एप्पल हर किसी को चाहिए, आप लोग हो ही यहाँ पे, हम लोग हो ही यहाँ पे इस वजह से। लेकिन एप्पल्स के साथ जो बाकी चीजें जुड़ी हैं, यहाँ पर आपकी वैल्यू जुड़ी है, यहाँ पे आपका एक ब्रांड जुड़ा है। ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर जो भटकर साहब बोलते हैं हमेशा कि सर ऑन पैसिव का जो फाउंडिंग मेंबर होगा उसको लोग दूर से पहचानेंगे, उसका घर लोग दूर से पहचानेंगे और उसको ढूंढते हुए उसके घर तक आएंगे कि यार आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हो। अगर आप किसी शादी में किसी फंक्शन में जाएंगे तो दूर से लोग देखेंगे कि आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर हो। ये वैल्यू आपको, आप कितना भी बड़ा बिजनेस करके अर्निंग कर लो, पैसा कमा लो, लेकिन ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। पॉसिबल ही नहीं है किसी को ये वैल्यू मिलना। सिर्फ पैसों से वैल्यू नहीं मिलती है, वैल्यू मिलती है एक ब्रांड से, वैल्यू मिलती है एक अच्छे आपके व्यक्तिमत्व से, वैल्यू मिलती है आपके एक अच्छे स्वभाव से, और वैल्यू मिलते हैं आपके एक ग्रेट विजन से। ऑन पैसिव एक ग्रेट विजन के साथ खड़ी है। यहाँ ऑन पैसिव बहुत सारी चीजें कर रही है, बहुत सारे बैकएंड में
हमारे टाइप्स हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे सर्टिफिकेशंस हो रहे हैं, जिस दिन हमारा ये पेमेंट से रिलेटेड या फिर विड्रॉल प्रोसेस से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग वर्क है अभी फाइनलाइज होने वाला है, एकदम फाइनल स्टेज में है, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है। और मुझे ये लगता है कि ये जो एक्सटेंशन आपको दिया गया 10 दिन का, ये फाइनल एक्सटेंशन हो सकता है। तो इस वजह से पैनिक होके, डर के, घबरा के कुछ गलत कमेंट करना, गलत चीजों को पोस्ट करना, ये एक रियल फाउंडिंग मेंबर की एक पहचान नहीं है। जो रियल है ना, हम भी बहुत सारे प्रॉब्लम में, अजय जी प्रॉब्लम में, भटकर जी, हम सारे लोग, हम 4 सालों से ऑन पैसे में, हमने तो हमारे पर्सनल बिजनेसेस का जो फोकस था वो पूरा डाइवर्ट किया ऑन पैसे में। आपके जैसे हम भी हैं, ऐसा ये मत समझिए कि भाई अनुप सर इतने वेबिनार सेमिनार करते हैं, अजय जी करते हैं, भटकर जी करते हैं, दीपेन भाई है, अनिल जी है, अजूर रहमान भाई है, मीनाक्षी जी है, ये सारे लोग यहाँ पे वेबिनार करते हैं, रोहित भाई वहां पे सारा पोस्टिंग करते हैं, बैकएंड में सारी चीजें संभालते हैं, तो ये बहुत, अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप और हम सेम ही है, मैं और आप सेम ही हूँ। आप मेरे से बात करेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि मैं कोई दूसरा हूँ, आपको लगेगा कि आप और मैं सेम ही है। प्रॉब्लम ये है कि आप दिल से जुड़े नहीं है या जुड़ना नहीं चाहते, और हम दिल से जुड़े हैं, इस वजह से यहाँ पे आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सेशन हम नहीं भी करते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आकर वेबिनार सेमिनार नहीं भी दूं तो मुझे ऑन पैसे